हाय फ्रेंड, नमस्कार सभी का फिर से वेलकम है मेरे चैनल में। थैंक यू टू ऑल माय फ्रेंड जिन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब किया, लाइक किया एंड कमेंट किया। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि फ्रेंड, जैसे आप सभी को पता है कि हर कोई टिकटॉक अनइंस्टॉल कर रहा है, तो मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा फ्रेंड, आप किस तरह अपने टिकटॉक को डिलीट कर सकते हो। और अगर आप अनइंस्टॉल करने को सोचे तो फ्रेंड, सबसे पहले अपने अकाउंट को डिलीट करो और डिलीट करने के बाद ही फ्रेंड अपने टिकटॉक को एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करो, उससे पहले अनइंस्टॉल मत करना। ओके, तो फ्रेंड इससे क्या होगा, अगर आपका टिकटॉक अकाउंट डिलीट हो जाएगा फ्रेंड, उसके बाद आप अनइंस्टॉल करोगे तो आपका जो अकाउंट है कभी हैक नहीं होगा और कोई दूसरा उसको यूज नहीं कर सकता। ओके, क्योंकि जो चाइनीज़ कंपनी हो आपके टिकटॉक को हैक करेगी, उससे उसकी रेटिंग बढ़ाएगी टिकटॉक की, और फ्रेंड कोई दूसरा भी आपके अकाउंट को यूज़ कर सकता है। ओके, तो अनइंस्टॉल करने से पहले उसको जरूर आप डिलीट कर दो। फ्रेंड अभी डिलीट कैसे करना है, डिलीट करने के लिए फ्रेंड सबसे पहले आपको आना होगा आपके होम स्क्रीन पे। होम स्क्रीन पे आने के बाद आपको क्लिक करना होगा टिकटॉक अकाउंट पे। जैसे टिकटॉक एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, मैं बता देता हूँ। जैसे आप होम स्क्रीन पे आओगे आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा फ्रेंड्स। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको राइट हैंड साइड डाउन कॉर्नर में क्लिक करना है मी के बटन पे। जैसे मी के बटन पे क्लिक करोगे आपको टॉप पे थ्री डॉट दिखेंगे, थ्री डॉट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप थ्री डॉट पे क्लिक करोगे आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। आपको क्या करना है, मैनेज माय अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे उसके ऊपर आप क्लिक करोगे आपको न्यू पेज पे ले जाएगा। ओके, तो यहाँ आपको बहुत सारी सेटिंग दिखी है, आप बहुत कुछ चेंज अप कर सकते हो। उसके नीचे फ्रेंड आपको सेटिंग दिखेगा डिलीट अकाउंट। तो फ्रेंड जैसा उस पर क्लिक करोगे आपके सामने न्यू पेज ओपन होगा फ्रेंड। ओके, तो जैसे ही पेज आएगा फ्रेंड आपको यहाँ पूछा जाएगा वेरिफिकेशन कोड। तो जो वेरिफिकेशन कोड है वो आपके सेलफोन नंबर पर भेजा जाएगा, तो आपको उस पर क्लिक करना सेंड कोड, और फ्रेंड जो कोड है आपके सेलफोन नंबर पर आ जाएगा। तो फ्रेंड जैसे कोड आएगा आपको अपना कोड इंटर करना है, और जैसे कोड आप इंटर करोगे OTP आने के बाद आपका अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आप मत करो, पसंद आया लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। थैंक यू।